के नागौर तहसील कार्यालय में बुधवार की दोपहर पहुंची एक महिला ने जमकर हंगामा किया। माहौल इस कदर बिगड़ा कि तहसीलदार के चैम्बर में तहसीलदार से बहस कर रही महिला के तेवर देखते हुए पुलिस बुलानी पड़ी। ग्राम इटवा सिद्धपुरा निवासी राजेश्वरी सिंह ने बुधवार दोपहर नागौर तहसीलदार के चैम्बर में हंगामा किया। उसने तहसीलदार से बहस कर गरीबी रेखा में लोगों के चयन में पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। महिला का कहना है कि वह गरीब है, उसका नाम चयन सूची में नहीं जुड़ रहा, जबकि तमाम ऐसे लोग का नाम बीपीएल सूची में है जिनके पास रुपए है, घर है, खेत है, उसे साल भर से भटकाया जा रहा है। अब एक कागज थमा कर कह दिया गया कि उसका नाम नहीं जुड़ सकता, वह अपात्र है। तहसीलदार ने निर्धारित नियमों की जानकारी देते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। महिला का हंगामा बढ़ता देख तहसीलदार ने पुलिस बुला ली। नागौर थाना से आई महिला पुलिस अफसर ने भी हंगामा कर रही महिला से शांत और धीमे स्वर में बात करने को कहा, लेकिन ना उसके टोन बदली और ना ही स्वर धीमा हुआ। अनंता पुलिस महिला को अपने साथ ले गई। तहसील कार्यालय पहुंची महिला राजेश्वरी सिंह ग्राम इटमा सिद्धपुरा की निवासी है। वह घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है। उसने बीपीएल सूची में अपने पति प्रदीप सिंह, दो बेटियों तथा पुत्र समेत 5 लोगों का नाम जोड़ने के लिए राजवाटिका का विवाह कर। अफसरों का कहना है कि जांच के दौरान महिला को अपार सुंदरता से ओट प्रूफ इस पर आवेदन निरस्त कर दिया गया। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।